तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं मिस्टर देव ब्लॉग्स। तो आज हम आपको अयोध्या का संपूर्ण दर्शन कराने वाले हैं। अयोध्या का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो आपको दिखा रखा है, वो फर्स्ट पार्ट था जिसमें अयोध्या का थोड़ा सा झलक मैंने दिखाया था। और आज का जो वीडियो होना है वो उससे पार्ट सेकेंड होने वाला है, जिसमें अयोध्या का संपूर्ण जानकारी, आपको अयोध्या का पूरा दर्शन हम कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं राम की पैड़ी, यहाँ पहुँचने वाले हैं। और आप सामने देखो, और ये है राम की पैड़ी। राम जी मतलब यहाँ नहाते थे। यहाँ महाआरती हो रही है। तो ये हम चल रहे हैं सरयू माता के पास। जब आए हैं तो उनका जल छिड़क लें। टाइमिंग हमारा गलत था आने का, नहीं तो यहाँ से आते तो जरूर स्नान करके जाते। चलते हैं हम फिर आगे की ओर और देखते हैं क्या कुछ देखने को और मिलता है। ये है सरयू नदी। हम चलते हैं अब सुजीत भाई साहब, यहाँ झरने की तरह बह रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। सभी लोग यहाँ मजे ले रहे हैं। ये राम की पौड़ी है, काफी अच्छा लग रहा है। देख चुके हैं, अब निकलते हैं, अब चलते हैं इसके किनारे किनारे। किनारे किनारे भी कुछ मंदिर हैं तो उसका भी दर्शन करते चलेंगे। तो ये देखो आप, हम लोग नीचे गए हुए थे, नहा रहे हैं। और यहाँ की खूबसूरती देखो आप, ये लाइटिंग देख रहे हो आप, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। सामने की आप खूबसूरती देखो, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। लाइटिंग देख रहे हो कितना खूबसूरत किया गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कलर भी काफ़ी खूबसूरत किया गया है, जो लाइटिंग कलर है हर एक सेकंड चेंज होते रहता है। देख रहे हो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है कलर। तो चलते हैं हम आगे की ओर, क्योंकि देखने के लिए बहुत कुछ है लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। चलो, यहाँ लाइटिंग का कमाल देखो, कितना खूबसूरत लग रहा है। लाइट पे ही सब कलर किया गया है। दीवार का जो कलर है वो वाइट है, लेकिन लाइट इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। दीवार का कलर आप देख रहे हो, कलर हर सेकेंड चेंज होते रह रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी खूबसूरत बनाया भी गया है। यहाँ श्री चंद्र हरि महोदय ट्रस्ट अयोध्या, यहाँ मतलब छोटे छोटे मंदिर यहाँ भी है। तो ये राम की पौड़ी है, हम इसके किनारे किनारे चल रहे हैं, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ। यहाँ फूल माला पूजा करने के लिए,
और यहाँ सामने श्री नागेश्वर नाथ मंदिर। मंदिर तो बहुत है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ा जल्दी में ही सब कुछ देख लिया जाए, फिर मौका निकाल के एक दिन आएंगे तो उस वक्त दिन में आएंगे और आराम से घूमेंगे। अभी तो सब कुछ जल्दी जल्दी में हुआ, दिन में ही आने का प्लान था लेकिन क्या करें, कुछ काम था जिस वजह से लेट हो गया, नहीं तो हम दिन में ही आते हैं। और प्लान था कि रात को निकलते हैं 9-10 बजे, यहाँ से 9-10 बजे तक अयोध्या में रुकते हैं और फिर चलते हैं रूम के लिए अपने, तो कोई ना अंदर वापस कर दिया, मतलब रुद्राक्ष भी नहीं जाने दिया। हाँ, वो भी नहीं लेने दिया, ऐसे कुछ भी आप ले जा सकते हैं तरीके का, कहने मतलब हम ये अंदर नहीं ले जाने देते। चलिए, जो नियम है उसको तो पालन करना ही पड़ेगा। तो गाइस, बात ऐसा है कि जहाँ राम जी की जन्मभूमि है वहाँ पे फोन ले जाना अलाउ नहीं है, फोन जमा हो जाता है, तो राम जी की जन्मभूमि हम आपको दिखा नहीं सकते। अभी चलते हैं रास्ता में, भूख लगी आपको, बाइक ले लेते हैं उधर से घूमते हुए फिर चलते हैं। तो हम चलते हैं राम जी की जन्मभूमि की तरफ, पहले चलते हैं, हम सबसे पहले बाइक लेते हैं उसके बाद फिर निकलेंगे। भाई हम मिलवाते हैं, हम लोग कौन कौन लोग यहाँ पे आए हुए हैं, एक तो हमारे पंकज भैया हैं और एक मेरे बड़े भैया हैं, हम तीन लोग अयोध्या आए हुए हैं घूमने के लिए। हमारा जो प्लान था आने का वो दिन का ही था लेकिन लेट हो गया और अयोध्या पहुँचते पहुँचते रात हो गया, कोई बात नहीं, रात में ही हम आपको घुमाते हैं अयोध्या, फिर कभी मौका मिले तो पंकज भैया हैं इनके पास चले आएंगे, दिन में कभी आया जाएगा। और यहाँ देखिए खाने के लिए स्टॉल लगा हुआ है, आप इधर साइड से लाइन से पूरा स्टॉल है। तो फाइनली हम गाड़ी ले चुके हैं और चलते हैं पहले हनुमानगढ़ी के लिए, गाड़ी हम हनुमानगढ़ी के पास खड़ी करेंगे फिर चलेंगे राम जन्मभूमि। तो अभी हम हनुमानगढ़ी के लिए निकले हैं, हनुमानगढ़ी का ये रास्ता है, अंदर से मेन रास्ता, ये मेन रास्ता बंद था जिस वजह से हम लोग को अंदर का रास्ता लेना पड़ा, गली से निकल रहे हैं, गली से। हाँ, मतलब गली का रास्ता हम लोग अभी लेकर चल रहे हैं, मेन रोड से जाने नहीं दे रहे थे, ये मतलब हमेशा खुला ही रहता है लेकिन अभी थोड़ा भीड़ है रामनवमी की वजह से इसलिए मेन रास्ता बंद है। यहाँ आप सामने जो देख रहे हो सारी भीड़ वहीं से आ रही है, श्री राम जन्मभूमि को ही देख के आ रही है सब। और यहाँ देखो इसे सजाया गया है, आज रामनवमी है शायद इसलिए इन सबको सजाया गया है। तो अभी हम गाड़ी खड़ी कर चुके हैं, हम काफ़ी भीड़ है और ये अब जो सामने देख रहे हैं ये हनुमानगढ़ी मंदिर है। पहले यहाँ पे सब दुकान थी, प्रसाद हम ले चुके हैं, अब चलते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर के अंदर। और ये रहा सामने हमारे हनुमानगढ़ी मंदिर, सामने आप देख रहे हैं ये श्री हनुमानगढ़ी मंदिर है, काफी ऊंचाई पे है, चलते हैं मंदिर के अंदर, चलते हैं प्रवेश करते हैं हम। तो चलते हैं सीढ़ी चढ़ते हैं और चलते हैं मंदिर के अंदर। और ये फाइनली हम मंदिर के गेट पे पहुंच चुके हैं, दर्शन करते समय विशेष रूप से अपने बहुत ऊंचाई पे हनुमान जी बैठे हैं। हाँ वही तो देख रहे हैं, अभी और ऊपर है। और ये रहा सामने मंदिर,
चलते हैं बाहर, ये बाहर जाने का रास्ता है। ये है बाहर जाने का रास्ता। तो गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ था जिस वजह से कुछ अच्छे से दिखा नहीं पाया, मोबाइल निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। खैर फिर भी जितना दिखा सका उतना दिखाया हूँ। तो चलते हैं हम नेक्स्ट लोकेशन पे और श्री राम जन्मभूमि के बाद। यहाँ देखो आप सुग्रीव किला होते हुए श्री राम जन्मभूमि तक निर्माणाधीन मार्ग, सुग्रीव जी के किला यहाँ सामने आप देखो, सुग्रीव जी के किला से लेकर श्री राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है। और यहाँ है श्री राम जन्मभूमि कनक भवन मार्ग। तो चलते हैं इधर के तरफ हम, यहाँ पे निर्माण का चालू है श्री राम जन्मभूमि का, ये रास्ता है। तो हम इधर गाड़ी लाने नहीं दे रहे थे, हाँ तो अभी निर्माण कार्य शुरू है। और ये सामने आप जो देख रहे हैं ये सुग्रीव किला है। और यहाँ आप देखो काम अभी चल ही रहा है। तो चलते हैं हम पैदल। तो वो सब जो नेपाल से पत्थर उत्थर आया वो भी अंदर ही सब रखा होगा, वो भी नहीं दिखेगा। नहीं, तो उससे तो काम चालू हो गया होगा, मूर्ति तराशना चालू कर दिया गया होगा। तो ये रास्ता है श्री राम जन्मभूमि की तरफ जाने का। तो चलते हैं हम आपको मंदिर के पास पहुंचते हैं फिर दिखाते हैं। तो यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे श्री राम जन्मभूमि मंदिर है, लेफ्ट की तरफ अब हम चलेंगे। तो यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे मंदिर है, तो चलते हैं मंदिर के पास। तो गाइस हमारे साथ हो गया स्कैम, हमें बताया गया था कि 10 बजे तक मंदिर का द्वार खुला रहता है, लेकिन यहाँ तो 7 बजे तक ही खुला रहता है। 7 बजे यहाँ श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर है बंद हो जाता है, तो हम मंदिर में एंटर नहीं कर पाए। यही मेन गेट है श्री राम जन्मभूमि मंदिर में अंदर जाने का। तो इतनी दूर आके मेन मंदिर ना घूम पाए, बहुत बेकार लग रहा है भाई, क्या कर सकते हैं। चलते हैं फिर। ये सारा आप देखो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, श्री राम जन्मभूमि का कैंपस है ये, अभी काम चल रहा है। और इधर के साइड मंदिर है सामने, और यहाँ इसका कैंपस जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। काफ़ी मज़ा आया यहाँ घूम के, काफ़ी सुंदर बनाया गया है। अभी तो मेन मंदिर का निर्माण चल ही रहा है, श्री राम जन्मभूमि का निर्माण चल रहा है। अयोध्या जिसे श्री राम की नगरी बोला जाता है, अभी उसका निर्माण बाकी ही है। बाकी फिर भी जितना देखा काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा बनाया गया है और काफ़ी अच्छा मंदिर है, अच्छा लगा घूम के। तो गाइज अब काफ़ी टाइम हो गया है, 9 बजने वाला है, और हमें यहाँ से जाने में करीब करीब 2 घंटे लगेंगे। तो अब हम चलते हैं बस्ती के लिए, क्योंकि काफ़ी रात भी हो गई है। और इस वीडियो को अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और चलते हैं हम अपने रूम के लिए। सबसे पहले हम चलते हैं कुछ खा लें, काफ़ी टाइम हो गया, भूख भी लग रही है। तो चलते हैं हम कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद हम निकलेंगे अपने रूम के लिए।
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।